तत्वों द्वारा बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा था, जल को प्रदूषित किया जा रहा था। जिला कलेक्टर नरसिंहपुर को ये आदेशित किया है कि वह इस विषय पर डिटेल एक विस्तृत रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि फैक्ट्री संचालक आए दिन एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आए दिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी आसपास के इलाकों में गंभीर बीमारियां दे रहा है, जिसके चलते लोगों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इसी के चलते नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की टीम ने एनजीटी में एक याचिका दायर की, जिसमें इन फैक्ट्रियों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रदूषण की बात कही गई थी, जिसको लेकर एनजीटी दिल्ली की जस्टिस शिव कुमार सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा की प्रिंसिपल बेंच ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा और पवन कौरव की जनहित याचिका पर नरसिंहपुर जिले की सुगर मिलों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा को निर्देशित किया है कि वो सुगर मिलों में जाकर पूरे मामले की जांच करें, साथ ही कमेटी गठित कर सूक्ष्मता से इसकी जांच रिपोर्ट एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच के समक्ष 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। ग्रीन टर्मिनल दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज संपन्न हुई, जिस पर मेरे द्वारा याचिकाकर्ताओं को पक्ष रखते हुए शुगर मिलों द्वारा की जा रही प्रदूषण संबंधी गतिविधियों से माननीय न्यायाधीश महोदय को अवगत कराया गया एवं संबंधित दस्तावेज दिखाए गए, जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर नरसिंहपुर को ये आदेशित किया है कि वह इस विषय पर डिटेल एक विस्तृत रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करें, ताकि प्रदूषण से संबंधित होने वाली गतिविधियों को रोका जा सके। वहीं पूरे मामले में प्रिंसिपल बेंच ने मध्य प्रदेश शासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पूरे मामले की पैरवी अधिवक्ता प्रभात यादव जबलपुर ने की। मिलों द्वारा बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा था, जल को प्रदूषित किया जा रहा था, उसके पास जो बहने वाली नदी थी उसको प्रदूषित किया जा रहा था, मृदा प्रदूषण हो रहा था, कुल मिलाकर भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा था, जिसको लेकर हमने एक एनजीटी में याचिका दायर की थी और उस पर सुनवाई हुई है और एक विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए आदेश दिया है कलेक्टर नरसिंहपुर को कि एक कमेटी बनाए और वो कमेटी शीघ्र एनजीटी की जो प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली में उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। गौरतलब है कि सुगर मिल मालिकों द्वारा अलग अलग तरीके से मिलों को खोलने संबंधी अनुमति ली जाती है, लेकिन फिर बाद में जब वो संचालित की जाती है तो सारे नियम और कायदे को दरकिनार कर काम चालू कर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टल न्यूज।